हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत की बुलेट ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस के पास में। फ्रेंड्स, आपने इस सफ़ेद रंग की लग्जरी ट्रेन को बाहर से तो कई बार देखा होगा, लेकिन इसका इंजन कभी नहीं देखा होगा। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको इस वीडियो में इसका इंजन दिखाने वाले हैं। हालांकि इस ट्रेन के अंदर इंजन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, लेकिन हम आपको वो हिस्सा दिखाएंगे जिसमें लोको पायलट बैठ करके ट्रेन को ऑपरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने इस लग्जरी ट्रेन का ड्राइवर केबिन है, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इसको पूरी तरह एरोडाइनमिक फ्रेंड्स, इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई एरोप्लेन हो। फ्रेंड्स, ये की कंट्रोल हैं जिससे ड्राइवर पूरी तरह ट्रेन को कंट्रोल में करता है। आप देख सकते हो, क्लोज डोर, ओपन डोर, मतलब कि जो ट्रेन के दरवाजे यहीं से क्लोज और ओपन होते हैं। और ये आरपीएम मीटर है। फ्रेंड्स, ट्रेन के अंदर भी आरपीएम मीटर होता है। और फ्रेंड्स, ये ट्रेन अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों से लैस है। आप देख सकते हो, साइड का ट्रैक प्लस साइड में जो ट्रेन खड़ी है वो भी दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, यहाँ से लगभग पूरी स्टेशन का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, आप आइडिया लगा सकते हो कि जो पत्थरबाज होते हैं, अक्सर ट्रेन पर पत्थर फेंक देते हैं, तो उनको भी ये पूरी तरीके से कैप्चर करने में सक्षम है। और फ्रेंड्स, ये आपके सामने एलईडी डिस्प्ले है। और फ्रेंड्स, ये जो दो माइक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये माइक ही हैं, और इससे लोको पायलट्स गार्ड से बात करते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने वायरनेस का स्थान ले लिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपातकाल की स्थिति में अगर पैसेंजर भी ड्राइवर से बात करना चाहे तो वो भी ड्राइवर से बात कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये आपके सामने कुछ की पैनल है, जो कि आप देख सकते हो, हॉर्न हाई ट्यून, हॉर्न लो ट्यून, कुछ इस तरीके के की पैनल्स हैं। तो इनके द्वारा ड्राइवर पूरी तरीके से ट्रेन को कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने ब्लू और रेड बटन दिखाई दे रहे हैं, ये ड्राइव के लिए है। और फ्रेंड्स, जो ये आपको एक गियर की तरह दिखाई दे रहा है, फ्रेंड्स, इसी के माध्यम से ट्रेन चलाई जाती है, इसी के माध्यम से ऑपरेट की जाती है। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि क्या ट्रेन की चाबी होती है? तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे जो आपके सामने दो चाबी रखी हुई है, ये ट्रेन की चाबी है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इस ट्रेन का कोड नेम है ट्रेन 18, जो कि ICF फैक्ट्री चेन्नई में बनाई जाती है। और फ्रेंड्स, ये ट्रेन पूरी तरह मेड इन इंडिया है, और इसको मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। और फ्रेंड्स, ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि 150 से 200 किलोमीटर पर हावर की स्पीड में चलने वाली है। और फ्रेंड्स, इसको पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है। इसकी कॉस्ट लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास पड़ी है, जो कि यूरोपीय ट्रेनों से बहुत ज़्यादा सस्ती है। और इसमें सारी वो विशेषता हैं जो यूरोपीय ट्रेनों के अंदर होती है। फ्रेंड्स, ये इसके सिग्नल कंट्रोलर हैं। आप देख सकते हो, सिग्नल एक्सचेंज लाइट ग्रीन, एक सिग्नल एक्सचेंज रेड, और ये हॉर्न के लिए है। और आगे भी आप देख सकते हो, सिग्नल बेल, माइक्रोफोन। फ्रेंड्स, ये दोनों माइक्रोफोन्स हैं, तो इनको भी आप देख सकते हो, ये इसके इस तरीके के कंट्रोल्स हैं। फ्रेंड्स, ये इसके वाइपर और स्प्रे के कंट्रोल्स हैं। इनसे स्प्रे, जो कि विंडशील्ड पर मारा जाता है, तो उसके लिए ये स्प्रे कंट्रोलर है। और फ्रेंड्स, ये एलईडी पैनल है, जो कि ट्रेन की स्पीड और माइलेज हाइलेज सारी चीज़ों को बताता है। तो आप देख सकते हो इसको। और फ्रेंड्स, ये और कुछ स्विच हैं, समझ नहीं आ रहा है कि ये किस चीज़ के हैं। तो फ्रेंड्स, हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन की की है, और इन सब को आप देख सकते हो, स्पीड लिमिट, ब्रेक्स के लिए ये है, और ये ड्राइव के लिए है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसकी सफलता के बाद में रेल मिनिस्ट्री ने इसके मेट्रो वर्जन और स्लीपर वर्जन पर भी काम करना शुरू कर दिया है, और वो भी जल्द ही भारत के ट्रैक्स पर दौड़ना शुरू कर देंगी। फ्रेंड्स, इसका एक और नया मॉडल ट्रेन 20 के नाम से भी आने वाला है, उसका भी काम बहुत फास्ट गति से चल रहा है फ्रेंड्स। और ये जल्द ही लॉन्च होगी, जो कि इसका एक अपडेटेड वर्जन होगा।
फ्रेंड्स, उसका निर्माण भी ICF फैक्ट्री चेन्नई में हो रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रेन 20 की स्पीड 250 से 300 किलोमीटर होने वाली है, जो कि एक हाई स्पीड ट्रेन होगी और उसको भारतीय ट्रैक्स पर ही चलाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, उसके लिए बुलेट ट्रेन की तरह अलग से ट्रैक बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सच में यार, ये ट्रेन अंदर से एकदम एरोप्लेन की तरह लगती है और बुलेट ट्रेन जैसी फीलिंग देती है। तो हमारी जो रेलवे कोच फैक्ट्री है ICF, तो उसने हमारे लिए एक गर्व का विषय हमको बना करके तैयार कर दिया है। और फ्रेंड्स, इसकी विदेशों में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये भारत के लिए एक उदाहरण पेश करती है, जो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत काम करती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस खूबसूरत सी ट्रेन के और व्यू का मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।